हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज फॉर फ्यूचर। क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं, हम लोगों को ज्ञात हो रहा है कि बहुत मतलब ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है, हमारा जो क्लाइमेट है उसमें बहुत चेंजिंग आ रही है। जैसे बारिश इस समय हो रही है, फिर पता लगा कि बारिश जो का टाइम जो है वो आगे पीछे हो गया, और कहीं कहीं पे क्या है सूखा मतलब ड्रॉट वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कोल्ड बढ़ गई मतलब ठंड बढ़ गई है ज़्यादा, कहीं पे फ्रीजिंग मतलब जमने वाली जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो रहा है। और इसमें क्या है जो पहले से उससे जब से हमारी कृषि स्टार्ट हुई है तब से ही क्या है जो टेम्परे मतलब जो क्लाइमेट है इसमें वेरिएशन आता रहता है। कहीं कहीं पर क्या कभी सूखा पड़ गया, कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, पता लगा बाढ़ आ गई फिर उसके बाद बारिश ही नहीं हुई। तो ऐसे जो क्लाइमेट चेंजिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं क्लाइमेट रिजाइलेंट, मतलब क्लाइमेट चेंज होना मतलब वातावरण में चेंजिंग, उसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉप वैराइटीज फॉर फ्यूचर। और उसके लिए हम जो देखेंगे कि क्रॉप की जो फसलों की प्रजातियां हैं वो हम अपने फ्यूचर के लिए कैसे रिकमेंड करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाट आर क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप्स, कि क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स हैं क्या। तो क्लाइमेट रिसाइलेंट के बारे में हमने अभी आपको बताया कि क्लाइमेट में जो चेंजिंग होते हैं वो बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कोई क्रॉप है उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए उसके जर्मिनेशन के लिए, और जो क्लाइमेट चेंजिंग के कारण अगर टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो क्या होगा जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत ही उस पर फ़र्क पड़ेगा। जर्मिनेशन कम भी हो सकता है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो हर क्रॉप की अपनी अपनी क्राइटेरिया हैं कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना डे लेंथ चाहिए, और कितनी उसको मतलब टेम्परेचर चाहिए होगा, और वो किसके और कितनी उसके लिए रात का टेम्परेचर चाहिए, दिन का चाहिए, तो ये सब क्या है अलग अलग है। उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सब क्या है अनप्रेडिक्टेबल कारक हैं ये, जो हमारे उसमें नहीं आता कि हम इनको अपने आप से मैनेज कर सकें। जैसे प्रेडिक्टेबल होते हैं वो मानव के उसमें नहीं होते हैं, और जो प्रेडिक्टेबल होते हैं वो मानव अपने आप उनको नियंत्रित कर सकता है, वो अनियंत्रित होते हैं और ये नियंत्रित होते हैं। जैसे हमें मान लो हम सिंचाई कर रहे हैं तो वो हमारे नियंत्रण में है, सिंचाई हमने दे दी कि इतनी सिंचाई देनी या न्यूट्रिएंट इतने देने हैं, तो ये हमारे नियंत्रण में। लेकिन जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो नेचुरल होते हैं, जैसे सूखा पड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई या टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, तो ये अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर होते हैं। तो क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप क्या है, द डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप वैरायटी विद इनहांस टॉलरेंस टू हीट, ड्रॉट, फ्लडिंग, चिलिंग, सैलिनिटी, स्ट्रेस, इसेंशियल ऑर्डर टू सस्टेन एंड इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, कोप विद चैलेंजेस द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करनी वैरायटी, वी आइडेंटिफाई द वैरायटी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंजिंग, हमें चेंज कर वैरायटी आइडेंटिफाई करनी है जो रेसिस्टेंट, जिनमें रेसिस्टेंट पावर हो, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। यहाँ पे हमारी बात हो रही है एबायोटिक फैक्टर की, तो उसमें सूखा प्रतिरोधी हो गई जैसे ड्रॉट, फ्लडिंग बहुत ज़्यादा पानी भर गया वहाँ पे भी वो ऐसी वैरायटी हम खोज मतलब निकालें कि जो फ्लडिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो गया वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर जाए। चिलिंग बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, या सैलिनिटी यहाँ पे साल सैलिनिटी मतलब जो हमारी भूमि है वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है वहाँ पे भी वो ग्रो करें, उन्हें ऐसी वैरायटी ढूंढनी है। और जो क्लाइमेट चेंजिंग है ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंजिंग है, क्लाइमेट ही चेंज तो होता है, जैसे ड्रॉट हो गई, फ्लडिंग हो गई, और चिलिंग हो गई, और सैलिनिटी जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अच्छी वैरायटी डेवलप करनी होगी, और वो पहले से ही हमारा प्रोग्राम वैसे चल रहा है। तो हम आपको बताएंगे लास्ट में कौन कौन सी वैरायटी किस किस स्टेट के लिए डेवलप की गई हैं अलग अलग क्रॉप्स में। तो फिर आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिजाइलेंट क्रॉप, सबसे ज़्यादा अच्छी रिजाइलेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, मतलब
वातावरण चेंज हो रहा है, तो उसके लिए अच्छी क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे ओकरा, भिंडी, मशरूम, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पोमग्रेनेट, अनार, आर ऑल रिजिलिएंट चॉइस इन मैनी रीजन्स। ये क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्रॉप्स हैं, क्लाइमेट चेंजिंग अगर हो रही है तो ये क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं और अपना भरण पोषण कर सकते हैं, और ये अलग अलग रीजन्स के लिए चॉइस कर सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे ये ओकरा अच्छी होगी, कहीं पे मशरूम, कहीं पे स्वीट पोटैटो, पोमग्रेनेट। जैसे मशरूम है, इसको हम उगा सकते हैं, ये क्या है, अगर हम कंट्रोल कंडीशन अगर दे सकें इसको। और सो टू आर एडिबल वीड्स सच एज डेंडेलियन एंड वर्डॉक विच आर हार्डी इनफ टू सर्वाइव अवर एफर्ट्स टू एलिमिनेट देम। और कुछ वीड्स हैं जैसे डेंडेलियन और वर्ड डॉक, ये क्या हैं, ये भी इनकी भी हम खेती कर सकते हैं, किसके लिए, खाने के लिए, जैसे वो इसलिए खाद खरपतवार भी हैं, जो कि जैसे कि सिंगपर्णी और वो जो उन्हें ख़त्म करने के लिए, हमारे प्रयासों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि वार्मिंग अधिक चरम पर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंजिंग है, बहुत ही अधिक बढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग तरीके, मतलब जो भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे ड्रॉट है या फ्लडिंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, एरिया पर जोन के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, तो उससे उसके लिए ये मोस्ट क्रॉप है, जैसे मशरूम, ओकरा, स्वीट पोटैटो, पोमग्रेनेट। फिर आता है क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट चेंज के और एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हमारा वातावरण चेंज हो रहा है, और फिर इसकी जो एग्रीकल्चर हमारी खेती है। इन रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स वेरिएबिलिटी आर इमर्जिंग एज मेजर चैलेंजेस टू इंडियन एग्रीकल्चर। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो भी क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है, ये बहुत ही मोस्ट आर मेजर प्रॉब्लम है हमारे भारत के खेती के लिए, क्योंकि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनुमानों में परिवर्तन और औसत तापमान, वर्षा और बढ़ी हुई चरम घटनाएं, ऐसे गर्मी और ठंड की लहरें, बाढ़, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जमीनी स्तर के ओजोन सांद्रता वृद्धि और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, जैसे समुद्र के जल में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हमारे जो बर्फ़ हैं, जो पहाड़ होते हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं, उनमें क्या है, वो गल रहे हैं, जिससे कि समुद्री जल का स्तर बढ़ रहा है, कहीं पे फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे एकदम सूखा पड़ रहा है, तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारे क्लाइमेट चेंज की, जो हमारे फेस करनी पड़ रही है एग्रीकल्चर में। और कुछ ही जैसे कुछ दूसरे हिस्से हैं जिनमें सूखा हो गया और अत्यधिक बारिश हो गई, बाढ़ आ गई या चक्रवात आ गया, तो ये क्या है, सभी क्लाइमेट चेंज है, तो ये बहुत ही नुकसान होता है इनसे हमारे एग्रीकल्चर में, और जो हम खेती करते हैं उसमें बहुत नुकसान होता है। जैसे चक्रवात आ गया, हमारी फसल जो है खड़ी हुई है, एकदम तैयार, मैच्योर है, और चक्रवात आ गया तो उसमें सारी फसल नष्ट हो गई, या बाढ़ आ गई, नष्ट हो गई, तो ये सब चैलेंजेज हैं एग्रीकल्चर में हमारे जो क्लाइमेट चेंज के। और फिर फसलों पर मौसम का प्रभाव, तो फसलों का मौसम पर प्रभाव जैसे कि हम बता ही चुके हैं, जैसे वेदर एब्रिवेशन, जो मौसम में चेंजेज होती हैं, तो मे कॉज फिजिकल डैमेज टू क्रॉप एंड सॉइल इरोजन। उससे क्या होता है, जैसे फिजिकल डैमेज हो गई क्रॉप्स, जैसे चक्रवात आया, फिजिकल डैमेज हो गया, बहुत तेज़ हवाएं चली, सॉइल इरोजन हो गया, मृदा क्षरण हो गया, इससे क्या हुआ, हमारी जो न्यूट्रिएंट जिस परत में होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या नदियों में बहकर चले जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है सॉइल इरोजन। दस देयर इज नो एस्पेक्ट क्रॉप कल्चर दैट इज इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ वेदर, एंड वेदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ऑप्टिमल क्रॉप ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ईल्ड। और जो वेदर फैक्टर होते हैं, जो मौसम के फैक्टर होते हैं, मौसम के कारक होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संबंधित होते हैं किससे, हमारी जो फसल की वृद्धि से और उसके उत्पादन से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। दे आल्सो प्ले रोल इन द इंसिडेंस एंड स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। और जो वेदर के कारक होते हैं, जैसे नमी है, और जैसे आर्द्रता है मौसम में कम ज़्यादा होने से, या टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से क्या होता है, ये जो मौसम के कारक जो होते हैं वो डिजीज और पेस्ट को भी फैलाने में
मदद करते हैं डिजीज़ की और पेस्ट की, क्योंकि डिजीज होता है वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पैथोलॉजी में, या उसमें डिजीज ट्रायंगल होता है, उसमें भी क्या ये इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण कारक है उनको स्प्रेड करने में, या पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट को। तो बात हमारी आज हो रही है किसकी, क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं वो किस में आते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस में। तो हमें वैरायटी डेवलप, जो हमें वैरायटी चाहिए वो क्लाइमेट रिसाइलेंट के अगेंस्ट चाहिए। तो आपको आना चाहिए सबसे पहले क्लाइमेट रिसाइलेंट आता है इसमें, वो आते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस में। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या, जैसे एबायोटिक स्ट्रेस है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेसेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस या तनाव क्या है। तो तनाव क्या होता है, एडवर्स कंडीशन ऑफ क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन कॉल्ड आइदर बाय एनवायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। मतलब किसी क्रॉप के लिए जो उसकी एडवर्स कंडीशन होती है, उसके अनुकूल नहीं होती है, जो प्रतिकूल प्रक्रियाएं होती हैं वो क्रॉप की ग्रोथ मतलब पौधों की वृद्धि और उनके प्रोडक्शन, उनके उत्पादन के लिए जो प्रभाव डालती हैं उसमें जो फैक्टर होते हैं और जिनके कारण तनाव आ जाता है उसमें, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो जैसे बायोटिक स्ट्रेसेस, तनाव किसके कारण आता है, वो किसके कारण आता है, जैसे डिजीज, इंसेक्ट और पैरासिटिक बीट्स। तो बायोटिक फैक्टर में जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, डिजीज हो गया, इंसेक्ट लग गए या डिजीज हो गया, और पैरासिटिक बीट्स होते हैं कुछ खरपतवार होते हैं, उनके कारण जो है पौधों की वृद्धि और तनाव, वृद्धि और प्रोडक्शन में जो तनाव आता है, जो स्ट्रेसेस आती हैं और उन पर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो आते हैं हमारे बायोटिक स्ट्रेसेस में। और एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रेंट हो गया, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर, लाइट और सॉइल कंडीशन, तो ये सब क्या आते हैं, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर हैं जो कि आते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। जैसे टेम्परेचर में कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या लाइट का ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो गया, और फ्लडिंग हो गई या बारिश हो गई बहुत ज़्यादा है, ड्रॉट हो गई, बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया एकदम, तो उसके कारण जो पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उनकी वृद्धि और प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है पूरा, एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे सैलिनिटी हो गई, सॉइल कंडीशन में जैसे सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, एसिडिटी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल हो गई, अल्कलाइन सॉइल हो गई, और एसिड अफेक्टेड सॉइल्स हो गई, तो ये सब क्या हैं, चेंजिंग हैं। तो इसमें आता है फिर टाइप्स ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे वाटर ड्रॉट हो गया, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, लाइट स्ट्रेस, विंड स्ट्रेस। तो वाटर या ड्रॉट स्ट्रेस, जैसे बहुत ज़्यादा सूखा कहीं पे है, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, तो वो हमारा ड्रॉट में आ जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फ्लडिंग हो गई, तो उसके लिए भी हमें वैरायटी चाहिए कि यहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, भरा रहता है जिन एरियों में, तो उसके लिए हमें वैरायटी चाहिए। तो वो भी क्या है, क्लाइमेट चेंजिंग में, किसी मान लो किसी एरिया में बारिश कम हो रही है, फिर से ज़्यादा से बारिश होने लगी और उसके पानी भरा रहने लगा, तो उसके लिए हमें अलग से फिर वैरायटी चाहिए होगी कि फ्लडिंग रेसिस्टेंट के लिए, जैसे जो वाटर है भरा है और फिर भी वो वैरायटी ऐसी हो, जैसे राइस की वैरायटी ले लो, जैसे जल लहरी, जलप्रिया है, वो वाटर अगर भरा हुआ है फिर भी वो उसमें अच्छे से ग्रोथ करेंगी और प्रोडक्शन देंगी। ऐसी हीट हो गया, हीट टेम्परेचर के कारण जो इफ़ेक्ट होता है क्रॉप की प्रोडक्शन और ग्रोथ पे। जैसे ड्रॉट स्ट्रेस रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी और वाटर स्कैरसिटी। ड्रॉट जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो मॉइस्चर होती है उसकी डिफिशियंसी, मतलब मॉइस्चर की कमी आ जाती है, वाटर की कमी मतलब पानी की कमी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, सॉइल ड्रॉट इज मोर कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड टॉपिक, डिजर्ट एरिया आर मोर प्रोन टू ड्रॉट कंडीशन। और जो सॉइल ड्रॉट होती हैं वो मोर कॉमन होती हैं जो एरिड और सेमी एरिड जोन में और डिजर्ट एरिया में। और ये
और इसी के कारण क्या होता है, जब मॉइस्चर कम होती है पौधों को पानी उनकी ज़रूरत के अनुसार नहीं मिल पाता है, पौधे फिर क्या होता है उनका प्रोडक्शन कम होता है या पौधे मर जाते हैं, बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। फिर आता है साल्ट टॉलरेंस, साल्ट टॉलरेंस जैसा कि हमने बताया था ये भी आता है, तो ये क्या है, साल्ट टॉलरेंस रिफर्स द एबिलिटी प्लांट टू प्रिवेंट रिड्यूस आर ओवरकम इंजूरियस इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन देयर रूट जोन। साल्ट अफेक्टिव सॉइल होती हैं उनमें भी पौधे क्या होते हैं, उनको हमने बोया और जो पौधे उनके रूट जोन में क्या होगा, सो साल्ट जो होगा मिट्टी में जो मिला हुआ था वो आएगा उनके, लेकिन फिर भी पौधे क्या होंगे, अपनी प्रोडक्शन देंगे, वृद्धि करेंगे, तो वो क्या कैसी सॉइल होती है, वो साल्ट अफेक्टिव, वो साल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी होगी वो, तो हम उसको क्या कहते हैं, साल्ट टॉलरेंस या रेसिस्टेंट। फिर आता है हीट, तो हीट एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स ऑफ टेम्परेचर हायर देन द ऑप्टिमल इज कंसीडर्ड एज हीट स्ट्रेस। जो पौधों को ज़रूरत होती है, किसी भी पौधों को उसके अकॉर्डिंग उससे अधिक जब होता है तो टेम्परेचर अधिक होता है, तब उसको क्या हम क्या कहते हैं, हीट स्ट्रेस कहते हैं। और फिर हीट टॉलरेंस क्या होते हैं, एबिलिटी ऑफ सम जीनोटाइप टू विदस्टैंड परफॉर्म बेटर देन अदर व्हेन देयर इंटरनल टेम्परेचर आर कंपेरेबल इन द रियलम ऑफ हीट कॉल्ड हीट टॉलरेंस। जब कोई पौधे होते हैं उनकी एबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो पौधे हीट अगर ज़्यादा भी है फिर भी वो टॉलरेट कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी वृद्धि कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हीट टॉलरेंस कहते हैं, उनमें हीट टॉलरेंस होती है। फिर आता है क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप वैराइटीज फॉर डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेसेस। डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए वैराइटीज, द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप वैराइटीज विच इनहांस द टॉलरेंस टू हीट ड्रॉट फ्लडिंग चीलिंग एंड सैलिनिटी स्ट्रेसेस आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड इम्प्रूव क्रॉप यील्ड कोप विद द चैलेंजेज ऑफ क्लाइमेट। तो ये जो डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, इसीलिए हमने आपको पहले सभी एबायोटिक स्ट्रेसेस जो थी उनके बारे में अवेयर कराया, क्योंकि यहाँ पे उसी की बात चल रही है, जो हमारा द डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, डेवलपमेंट और आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप वैराइटीज़ का, और वो किसके अगेंस्ट, विद इनहांस्ड टॉलरेंस, किसके अगेंस्ट टॉलरेंस, हीट ड्रॉट और फ्लडिंग चिलिंग साल्ट टॉलरेंस वैरायटी जो जो भी हैं, जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनके अगेंस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इट इज एसेंशियल, और ये एसेंशियल क्यों है, इट इज एसेंशियल टू ब्रिज द यील्ड गैप्स, ये एसेंशियल है मतलब आवश्यक है, जो हमारे यील्ड का गैप है, इनके कारण क्या होता है, यील्ड कम होती है, तो उस यील्ड के गैप को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड इन्हांस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफिटेबिलिटी, मिनिमाइज रिस्क एंड इम्प्रूव द लेवलीहुड्स, और इससे क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और मिनिमम रिस्क होगा, रिस्क वो जो होंगे वो कम हो जाएंगे ऑफ मिलियंस ऑफ प्यूपिल डिपेंडेंट ऑन, बहुत जो मिलियंस प्यूपिल हैं जो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड्स हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा फ़ायदा होगा अगर हम क्लाइमेट के जो चेंजिंग के अगेंस्ट वैरायटी डेवलप करेंगे, और वो फैक्टर आपको बताई दिए ये सब। फिर आता है वाइल एबायोटिक स्ट्रेसेस सच ड्रॉट हीट कोल्ड में ट्रिगर ए सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट्स दैट दे इंक्लूड चेंजेज इन जीन एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांजेक्शन पाथवे मेटाबॉलिक एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एज वेल एज क्यूमुलेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज इन टर्म ऑफ सोर्स सिंक रिलेशंस एडाप्टेशन। जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जैसे ड्रॉट के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए, ये सीरीज जो भी सीरीज है इनकी ड्रॉट एबायोटिक स्ट्रेसेस की, वो क्या है, इंक्लूड करनी चेंजिंग इन द जीन एक्सप्रेशन, जैसे वैरायटी डेवलप तो उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा जीन एक्सप्रेशन, जो जीन में चेंज हो जाएगा, जो जीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे वो सिंगल ट्रांजेक्शन पाथवे द्वारा या मेटाबॉलिक या मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एज वेल एज क्यूमुलेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज इन टर्म्स सोर्स
एंड सिंक रिलेशन फॉर एडाप्टेशन, और ये सभी जब चेंजिंग होंगे और उससे क्या होगी, जो क्रॉप होगी वो वेल एडाप्टेड होगी, वो किसी भी इन्वायरमेंट में अच्छे से अडाप्ट हो जाएगी और ग्रो करेगी। तो फिर वेरियस एबायोटिक स्ट्रेसेस, ड्रॉट हीट, सैलिनिटी, कोल्ड एंड फ्लडिंग आर द मेजर फैक्टर दैट एडवर्सली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। और ये मेजर जो है, वेरियस एबायोटिक स्ट्रेस, ड्रॉट हीट, ये क्या मेजर हैं ये, और फ्लडिंग कोल्ड, जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं क्रॉप के ग्रोथ और प्रोडक्शन पर। एंड द टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस इज मैनिफेस्टेड इन टर्म ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद रिसोर्सेज लिमिटेशन अंडर स्ट्रेस एज वेल एज द एबिलिटी टू रिकवर अलॉन्ग विद हाई प्रोडक्शन पोटेंशियल विद स्ट्रेस इज रिलेव्ड। तो जो टॉलरेंस जो होती है एबायोटिक स्ट्रेस की, वो क्या होती है कि किसी क्रॉप को हमने बो दिया और उसकी एबिलिटी ऐसी है कि उसको हमने जब बोया तो उसने अपना प्रोडक्शन और वृद्धि और प्रोडक्शन अच्छा दिया, वृद्धि अच्छी हुई और प्रोडक्शन अच्छा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, चाहे वो ड्रॉट के लिए हो, चाहे कोल्ड के लिए हो, चाहे किसी और अनदर फैक्टर के लिए। एंड सेवरल क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी विद टॉलरेंस टू वेरियस एबायोटिक स्ट्रेस विद ड्रॉट हीट। बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं इनके लिए, इनके अगेंस्ट इम्प्रूव करने के लिए, उनकी फसलों की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे ड्रॉट हीट, कोल्ड, सैलिनिटी और फ्लडिंग के अगेंस्ट। एंड द सफिशियंट क्वान्टिटीज ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप वेराइटी नीड टू बी अवेलेबल टू फार्मर्स फॉर सस्टेनिंग द प्रोडक्शन सिस्टम एंड मीटिंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। और इसके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, और द सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट क्रॉप वैरायटी नीड टू बी अवेलेबल टू फार्मर्स, और ये ज़रूरी है फार्मर्स के लिए कि उनके लिए सफिशियंट सीड उपलब्ध कराया जाए, क्वालिटी सीड, जो भी क्लाइमेट चेंजिंग हो रहे हैं जिस एरिया में उसके अकॉर्डिंग, और किसके लिए, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, और इससे कि जो हमारी फूड ग्रेन की जो इन डिमांड है जो बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए। फिर ये कुछ वैराइटीज़ हैं अलग अलग स्टेटेड के लिए, जैसे क्रॉप वैराइटी सुटेबल फॉर कल्टीवेशन अंडर ड्रॉट स्ट्रेस। ड्रॉट है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, और जो जहाँ पे नमी की कमी रहती है उनमें सिंचाई उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम जैसे राइस की वैराइटी हैं जो स्टेट है ये, और सोर्स ऑफ सीड अवेलेबिलिटी, जैसे अशोका 200F ये क्या है, इस राजस्थान के लिए है, तो इसका RSSC राजस्थान से हम क्या कर सकते हैं, सीड को प्राप्त कर सकते हैं। RSSC क्या है, जो राजस्थान स्टेट की जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उससे हम ले सकते हैं, जैसे गुजरात नागली 4 है, ये गुजरात के लिए है, तो इसको DRNAU, तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गुजरात की, यहाँ से हम सीड ले सकते हैं। जैसे सहभागी और शुष्क सम्राट, ये बिहार के लिए है, ये बिहार एग्रीकल्चर सबौर से हम ले सकते हैं ये वैरायटी। ऐसे ही पंतधान 16 है, और वरानी धान, वरानी है धान 1 है, आदित्य कलिंग है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ये हम कर सकते, ले सकते हैं पंतनगर से, और IGKV जबलपुर से प्राप्त कर सकते हैं ये सीड। ऐसे वीट की वैरायटी है राज 3077, राज 3765 और KRL 14, ये सब ड्रॉट के लिए हैं, और ये हम राजस्थान की है सी सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं सी HD, जो बिहार ईस्टर्न UP और वेस्ट बंगाल के लिए है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जिसका सोर्स है सीड, जो है हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी वैरायटी जो है वीट की हैं, अलग अलग स्टेट के लिए दी गई हैं, और इनके लिए रिकमेंड किया गया कि ये इस स्टेट के लिए सही है और जहाँ पर ड्रॉट की प्रॉब्लम है। ऐसे ही फिर मेज की वैरायटी है राजस्थान में, जैसे माही धवल है, ये राजस्थान के लिए PEMH प्रताप मक्का 5, प्रताप मक्का 3, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1, तो ये सभी वैरायटी के यहाँ हैं, किसके लिए हैं, अरावली हिल्स राजस्थान के लिए हैं, ये IAR न्यू दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। विवेक 21, विवेक 20,
9 छत्तीसगढ़ के लिए प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैरायटी सब मक्का की हैं जिन्हें हम डॉट प्रॉन एरिया के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही ये शुगर केन की वैरायटी है, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर से प्राप्त कर सकते हैं। SBI ये है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो रिसर्च स्टेशन है जैसे करनाल में हो गया, फिर लखनऊ में हो गया, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये। और ये वैरायटी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लिए, फिर नॉर्दर्न जोन यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार के लिए वैरायटी है। फिर ये पल्स की वैरायटी है कुछ, जैसे प्रताप चना वन है चिकपी राजस्थान के लिए, फिर RMG 268 ग्रीन ग्रैम की है ये राजस्थान के लिए, फिर ये पीजन पी की ICPL 87 ICPL 151 राजस्थान की, जैसे IIPR कानपुर, क्रीसेट हैदराबाद से ये प्राप्त कर सकते हैं, अरावली, और RGN 148 RB50 वरेसिकार एप्सीडेंट मस्टर्ड की वैरायटी है ये जो है मस्टर्ड की वैरायटी है ये राजस्थान के लिए, इन्हें यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज हमने पढ़ा कि टॉपिक क्लाइमेट डी साइलेंट क्रॉप वैरायटीज। तो आज के टॉपिक में हमने ये सब कवर किया है कि कौन कौन सी वैरायटी किस किस स्टेट के लिए, और ये फ्यूचर में हम कैसे इसके लिए डेवलप करेंगे वैरायटी। तो डेवलप करने के लिए बहुत सी ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं, उसमें जैसे ब्रीडिंग मेथड्स हैं और हमारे और भी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही। ओके, थैंक यू।